दोस्तों, महेंद्र सिंह धोनी मात्र 13 गेंद में 72 रनों की शानदार पारी खेली तो क्या है, पूरी खबर की जानकारी बताएंगे इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों, महेंद्र सिंह धोनी आपके भी फेवरेट खिलाड़ी है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, चेन्नई की टीम टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला करता है और पहले बल्लेबाजी करते हुए मुंबई के टीम 20 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 214 रन बनाता है। मुंबई के तरफ से सबसे ज्यादा रन रोहित शर्मा 104 रनों की शानदार पारी खेलता है, जिसमें 10 छक्का और 6 चौका शामिल रहता है, और तिलक वर्मा भी 80 रनों की शानदार पारी खेलता है। और चेन्नई के तरफ से सबसे ज्यादा विकेट रविंद्र जडेजा को 4 विकेट मिलता है और 2 विकेट दीपक चाहर को भी मिलता है। मुंबई के टीम 214 रनों का लक्ष्य चेन्नई के सामने रखता है। लेकिन दोस्तों, चेन्नई के टीम का बुरा हाल हो गया था क्योंकि तीसरा ही ओवर में चेन्नई को 3 बड़ा झटका लग जाता है। लेकिन दोस्तों, एक तरफ महेंद्र सिंह धोनी शानदार बैटिंग करता है और मात्र 13 गेंद में 72 रनों की शानदार पारी खेलता है, जिसमें 10 छक्का और 2 चौका शामिल रहता है। महेंद्र सिंह धोनी के शानदार बैटिंग के वजह से चेन्नई के टीम हारा हुआ मुकाबला जीत लेता है। लेकिन दोस्तों, आईपीएल में आपके फेवरेट टीम कौन सी है, कमेंट में जरूर बताइएगा।